हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉगी शोगी। मैं राजीव और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन पपीज़ के बारे में जिनकी जो वीडियो है मैंने पोस्ट करी थी तकरीबन 12 से 13 दिन पहले ऑलमोस्ट। और अब उन पपीज़ की जो एज है वो नियर अबाउट 15 दिन हो चुकी है, आंखें जो है उन पपीज़ की खुल चुकी हैं। तो उन पपीज़ की अपडेट देने के लिए ही ये वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो पपी हैं, इनकी जो वीडियो है हमने पोस्ट करी थी कुछ दिन पहले, वो आपने देखी भी होगी। नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए और फिर बाद में उसको जाके देख लीजिएगा। आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस टाइम पे इन पप्पीज़ की जो एज है वो थी कुछ नियर अबाउट 1, 2 या फिर 3 दिन। काफ़ी छोटे बच्चे थे और एक गड्ढे में थे। अभी आप देख सकते हो अच्छे, ये तकरीबन 14-15 दिन के पप्पीज़ हो चुके हैं और आईज इनकी ओपन हो चुकी हैं, हेल्दी बच्चे हैं और अच्छे से अपनी मदर फीडिंग जो है कर रहे हैं। इनमें दोस्तों मैंने आज चेक किया तो पता चला कि 3 पप्पी जो हैं वो फीमेल हैं और 1 पप्पी जो है वो मेल है। काफ़ी प्यारे बच्चे हैं। अभी तो जो है ये कम्प्लीटली मदर फीड पे ही हैं क्योंकि तकरीबन 14-15 डेज ही इनकी एज हुई है। 10 दिन के बाद जो है इन पप्पीज़ की मैं एडॉप्शन की वीडियो भी पोस्ट करूँगा क्योंकि 25 दिन के होने के बाद ये 25 या फिर 26-30 दिन के होने के बाद ये जो है घर से बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाके सामने ही जो है रोड है और वहाँ पे जाने के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि भाई 2-3 दिन में ये गाड़ियों वगैरह के नीचे आ जाते हैं और फिर इनकी डेथ जो है हो जाती है। तो ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे, 25-26 दिन के होने के बाद जो है इनकी वीडियो हम पोस्ट कर देंगे फ्री अडॉप्शन के लिए। काफ़ी प्यारे बच्चे हैं दोस्तों, और जितना साइज इंडियन स्पिट्स का होता है ना, जो वाइट कलर का डॉग रखते हैं लोग इंडियन स्पिट्स, तकरीबन उसके जितना ही इसका साइज रहेगा। इससे ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होगा क्योंकि इसके पिछले कुछ जो 1-2 बच्चा बचे हुए हैं गली में वो मैं देखता हूँ तो उनका भी साइज़ लगभग इतना ही है। इसकी मदर की भी जो हाइट है वो कम ही है। अगर आपको एडॉप्शन के लिए चाहिए हैं पपीज़ तो जल्दी ही ये वीडियो आएगी। कलर और मार्किंग्स जो हैं बच्चों की वो आपके सामने है। 2 बच्चों का कलर तो बिल्कुल लगभग इसकी माँ के जैसा ही है। एक ये प्यारा सा जो बच्चा है वाइट कलर के साथ है, तो अच्छे बच्चे हैं। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो बहुत जल्दी इनकी जो है एडॉप्शन की वीडियो आएगी। अगर आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से अगर कोई अच्छा पप्पी, जिस तरीके के ये बच्चे हैं, हेल्दी बच्चे हैं, बिल्कुल कोई इनमें समस्या नहीं है अभी फ़िलहाल, आप कोई अच्छा बच्चा अडॉप्ट करते हो, उसकी वैक्सीनेशंस करवा लेते हो तो काफ़ी अच्छे ये आपकी फैमिली मेम्बर बन जाएंगे। और तकरीबन ये लगा लीजिए कि ना तो इनके ऊपर आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि एक्जोटिक ब्रीड्स के ऊपर करना पड़ता है, ना ही आपको कोई इनको, अगर आप नहीं खिलाना चाहते कोई मार्केट से फीड लेके, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट के साथ, अगर आप वेज हो तो भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप वेजिटेरियन डाइट के साथ इन डॉग्स को पाल सकते हो। घर का जो भी खाना हो, बस ज़्यादा मीठे और नमकीन को जो है आप अवॉइड करें। दही, रोटी, दलिया, चावल, अंडे वगैरह, पनीर, ये जो भी चीज़ें आपके घर में हो, आप इनसे इनको काफ़ी अच्छे से पाल सकते हो, कोई समस्या नहीं होती है। टाइमली बस आप इनकी जो है वैक्सीनेशंस करवा लीजिए और फिर अगर आप थोड़ी सी केयर के साथ रखोगे तो कोई आपको ज़्यादा समस्या इनमें नहीं आएंगी, जो कि आपको एक्जोटिक ब्रीड्स के साथ आती हैं। दोस्तों, ये डॉग जो हैं काफ़ी अच्छे वॉच डॉग होते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हो, थोड़ी सी भी आवाज़ कहीं से भी आएगी तो ये आपको उठा देंगे, बता देंगे कि भी कुछ ना कुछ हो रहा है आसपास, चेक करो। ये देखिए आईज जो है बच्चों की वो खुल चुकी हैं, तकरीबन 15 दिन के अराउंड जो है इनकी एज हो चुकी है। तो ऐसे ही आप भी अगर कहीं पर भी आपको छोटे पप्पी मिले या फिर कोई और जानवर मिले तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। घर में जो भी आपकी चीज़ें जो कि डॉग्स के लिए अच्छी हों, जैसे कि दूध, दलिया और चावल वगैरह, रोटी, आप इनको दे सकते हो। और भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फालतू की हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपना एक काम है, रोल है, हर चीज़ को भगवान ने जो है सोच समझ के ही बनाया है, तो इनको फालतू के ना समझे और थोड़ी सी इनकी भी मदद कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जो वीडियोस के अपडेट्स हैं वो मिलते रहें।
इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो उनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।